राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा जय राधा माधव यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 46-46। व्यासाद्येर ईश्वरे राज्ञे व्यासाद्येरीश्वरे हाग्ने कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोपितिहासे नाबुध्यत शुचार्पितः व्यासाद्यैरीश्वरे हाग्न्ये कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोपितिहासे नाबुध्यत शुचार्पितः व्यासाद्यैरीश्वरे हाग्न्ये कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोपितिहासे नाबुध्यत शुचार्पितः प्रबोधितोपितिहासे
शब्दार्थ व्यास आद्य है श्रील व्यास देव इत्यादि मुनियों द्वारा ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर ईर्हा की इच्छा से गे है विद्वानों द्वारा कृष्णेन स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा अद्भुत कर्मणा अद्भुत कार्य करने वाले के द्वारा प्रबोधितः दृढ़ास बंधाने पर अपि यद्यपि इतिहासे इतिहास के साक्ष्यों द्वारा न नहीं अबुद्ध्यत संतुष्ट हुए शुचा अर्पितः दुखी। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यासदेव आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। कृपया अनुवाद दोहराइए। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यासदेव आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। तात्पर्य अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात से पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न थे। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था और वह ठीक से शासन चला रहा था। एक प्रकार से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन संभालना था। संपूर्ण राजनीति का केंद्र बिंदु यही था और संपूर्ण विश्व के राजा तथा निवासी इन दो प्रतिद्वंदी भाइयों की लड़ाई में शामिल हो गए। भगवान श्री कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर की ओर थे। महाभारत के आदि पर्व 20 में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख लापता हो गए। एक प्रकार से विगत 5000 वर्षों में यह विश्व का भीषणतम युद्ध था। महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने हेतु यह सामूहिक वध मन को भयंकर दुख देने वाला था। अतएव श्री व्यासदेव जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इतिहासों के साक्ष्य से उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहा कि यह युद्ध न्याय संगत था, क्योंकि इसका कारण न्याय संगत था।
लेकिन महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए, यद्यपि उस समय के महान पुरुषों ने उन्हें उपदेश दिया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को अति मानवीय कर्म करने वाला कहा गया है, लेकिन इस विषय में न तो श्रील व्यासदेव और न ही भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे पाए। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे अति मानवीय कर्ता सिद्ध नहीं हो पाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी विवेचना यह है कि श्री भगवान ने ईश्वर के रूप में राजा युधिष्ठिर तथा श्रील व्यासदेव दोनों के ही हृदय में स्थित होकर इससे भी अधिक अति मानवीय कार्य किया, क्योंकि श्री भगवान की ऐसी इच्छा थी। राजा युधिष्ठिर के परमात्मा के रूप में उन्होंने राजा को व्यासदेव तथा स्वयं एवं अन्य व्यक्तियों के शब्दों से आश्वस्त नहीं होने दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि राजा मरणासन्न भीष्मदेव से उपदेश ग्रहण करे, जो श्री भगवान के एक और महान भक्त थे। श्री भगवान चाहते थे कि अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम समय में महान योद्धा भीष्मदेव उनका साक्षात दर्शन करे और उस समय सिंहासनारूढ़ अपने पौत्रों राजा युधिष्ठिर इत्यादि को देखे और इस प्रकार वह शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो। भीष्मदेव पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण तनिक भी प्रसन्न न थे, क्योंकि सारे पांडव उनके पितृविहीन पौत्र ही तो थे, लेकिन क्षत्रियजन अत्यंत कठोर होते हैं, अतएव उन्हें दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा ही उनका भरण पोषण हो रहा था। इसके अतिरिक्त श्री भगवान की यह इच्छा भी थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्मदेव के वचनों से सांत्वना पाए, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्मदेव ज्ञान में सबसे, यहाँ तक कि श्री भगवान से भी बढ़कर थे। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धापसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगौराय ते गौराविर्भावभूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां श्रुतौ पङ्गोर् मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपादाम्भोजौ राधा मदनमोहनौ दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशील गोविन्द देवो प्रेष्ठादिभि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् राजसरसारम्भि वंशीवटदृढस्थित कर्षण वेणु सुनैर्गोपिर्गोपिनाथ श्रियस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद्भागवतम के सत्र इस कार्तिक के पावन मास में। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 40। कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण कर चुकी है और उसके बाद सुत गोस्वामी ने बोलना प्रारंभ किया है। तो सुत गोस्वामी बताते हैं श्लोक संख्या 44 है। इस प्रकार से भगवान अपने महिमागान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मुस्काए। उनकी मुस्कान उनकी यशो योग शक्ति के समान ही मोहक थी। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और मुस्कुराए। तो काफ़ी संतुष्ट हो गए थे भगवान इस प्रकार से कुंती महारानी की प्रार्थना को सुनकर। और हमने चर्चा भी किया था जब ये श्लोक हम पढ़ रहे थे कि हमें भी भगवान की स्तुति करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और भक्ति के नवविधा भक्ति के अनेक अंगों में से वंदन ये एक भक्ति का मुख्य अंग है। वंदन का मतलब है भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करना। तो चुने हुए श्लोकों से कुंती महारानी ने भगवान का यशोगान किया, इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं। उत्तम उत्तम श्लोकों से जिनकी जिनका गुणगान किया जाए, उत्तम श्लोक भगवान का एक नाम है। उसके बाद फिर श्री भगवान सभी लोगों से प्रस्थान करने के लिए परमिशन मांगते हैं। जैसे कि भगवान अंदर भी जाकर जो भी स्त्रियां हैं उनको भी सूचना देते हैं कि अभी वो प्रस्थान कर रहे हैं द्वारका की तरफ। और जब ये बात युधिष्ठिर महाराज को पता चली तो युधिष्ठिर महाराज ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उनके पास आकर उनको रिक्वेस्ट किया कि थोड़े दिन और रुक जाइए। तो इस प्रकार से जब भक्त प्रेम पूर्वक भगवान से कुछ विनती करते हैं तो भगवान उसको भगवान के लिए टालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि 45 में बताया गया है कि लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देखकर राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की, तो रुकने के लिए कुछ याचना की। उसका कारण, एक और कारण यह भी लग रहा है इस श्लोक से कि युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हो गए थे। क्यों दुखी हो गए थे? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो कारण थे इस भीषण युद्ध के जिसमें इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई, 64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख लोग लापता हो गए। तो जैसे गीता के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अर्जुन खुद शोक में चले गए थे कि युद्ध नहीं करना है उनको, अपने ही सगे संबंधियों को मैं कैसे मार सकता हूँ, और इतने सारे अर्जुन ने क्वेश्चन दिए। तो अर्जुन एक तरह से शोक में चले गए थे, मोह में चले गए। अभी उसी प्रकार का शोक या मोह अभी किस उसमें कौन आ गए हैं? युधिष्ठिर महाराज एक तरह से आ गए हैं। एंड उनको सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि इतना ज़्यादा जो सामूहिक रक्तपात हुआ है, उनको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि इसका कारण मैं हूँ। कारण श्री प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि दुर्योधन उस समय राजा थे और वो भी काफ़ी अच्छे से कौरव राज्य चला रहे थे। कोई ऐसे कोई कौरव राज्य में कमी या कोई स्कैर्सिटी नहीं थी किसी भी चीज़ की जब दुर्योधन शासन कर रहे थे, वो भी अच्छे से ही शासन कर रहा था। लेकिन हम जानते हैं दुर्योधन और उनकी पार्टी पूरी अधर्मी थी, भगवान के भक्त नहीं थे। एंड शास्त्र में बताया गया है कि हरा वक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथे नासति दावतो भई, श्रीमद्भागवतम का ही श्लोक है। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समाते से समासते सुरा, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथे नासति दावतो भई। कि जो भगवान के भक्त है उनमें सारे देवी देवताओं के अच्छे गुण पाए जाते हैं। मतलब जैसे हम श्रीमद्भगवद्गीता के भी 12वें अध्याय में भगवान अनेक अनेक गुणों का वर्णन करते हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है,
यो न ऋष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रिय। ऐसे लगभग ऐसे मान लीजिए कोई जॉब ढूंढने जाता है ना, तो इंटरव्यूअर अपना लिस्ट देता है, वांटेड दिस दिस क्राइटेरिया, फुलफिल करेगा तो हमको अच्छा लगता है, हम रिक्रूट कर देंगे। तो भगवान ने भी अपना क्राइटेरिया डाल के रखा है कि ये क्वालिटीज होंगे तो वो भक्त मुझे प्रिय है। लेकिन इन ये क्वालिटीज तो भगवान ने बताए हैं, लेकिन उसके पहले श्रील प्रभुपाद इन क्वालिटीज का वर्णन चालू करने से पहले श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख देते हैं कि अगर व्यक्ति शुद्ध भक्ति कर रहा है तो उसमें ये क्वालिटीज सारे अपने आप आ जाएंगे, जितने भी अच्छे क्वालिटीज बताए गए हैं ना, कि सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय पराजय में सम है। ओके, वो किसी से द्वेष नहीं करता है, ना उससे कोई द्वेष करता है, वो किसी को दुख नहीं पहुँचाता है, ना उससे उसको जब कोई दुख पहुँचाता है तो वो ज़्यादा क्या कहते हैं डिस्टर्ब नहीं होता है। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे क्वालिटीज दिए गए हैं। लेकिन ये भी बताया गया है कि अगर व्यक्ति शुद्ध भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसमें ये सारे क्वालिटीज अपने आप आ जाते हैं। दूसरी ओर भागवतम ये बताता है कि अगर व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है तो उसमें कितने भी अच्छे गुण क्यों ना हो, उस पर भरोसा हम नहीं कर सकते। हरा भक्त से तो महदुण मनोरथे ना सती धाव तो भाई, क्यों? क्योंकि उसका मन कंट्रोल में नहीं है, मन कहीं भी भाग सकता है। जय शशि राधा माधव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माया की दर्शन की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो दुर्योधन हम देखते हैं भगवान के भक्त नहीं थे वो, तो इसलिए एंड किस प्रकार से अधर्म करके, छल करके, कपट करके पांडवों से उन्होंने राज्य पूरा छीन दिया था। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ये धार्मिक नियमों के अनुसार नहीं था, तो इसलिए भगवान चाहते थे ऐसे राजा को विराजमान करना जो धार्मिक है, तो इसीलिए ठीक उचित न्याय करना था पांडवों के साथ। वैसे भी युधिष्ठिर महाराज सभी भाइयों में बड़े थे, तो सिंहासन पर अधिकार उनका था, तो उस दृष्टि से भी सही न्याय या सही धर्म यही होता है, मतलब यही होता था कि युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर वापस बिठाया जाए। तो इसीलिए लेकिन हम जानते हैं महाभारत में वो पूरा प्रकरण आता है कि भगवान जब शांतिदूत बन के जाते हैं उसके बाद भी दुर्योधन रेडी नहीं होता है राज्य देने के लिए पांडवों को, तो इसलिए फिर ये युद्ध एक प्रकार से इसको रोकना संभव असंभव हो गया, युद्ध होना ही था, निश्चित था युद्ध होना। और इस युद्ध में फिर जब इस प्रकार से इतना रक्तपात हुआ, इतने सारे लोग मारे गए और लापता हुए, तो उससे युधिष्ठिर महाराज को बहुत दुख हुआ, और अभी वो इस दुख का कारण अपने आप को समझ रहे थे। तो फिर आगे बताया गया है जिस प्रकार से और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिन में खत्म हो गया, 18 दिन में ही खत्म हो गया, 64 लाख लोग मर गए और रिजल्ट भी आ गया। लेकिन आज के युग सालों साल चलते हैं लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आता है। और तो युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देने के लिए, यानी कि उनको समझाने के लिए बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों ने भी कोशिश किया, व्यासदेव ने स्वयं कोशिश किया, प्रयास किया, क्योंकि व्यासदेव देखा जाए तो एक तरह से भीष्मदेव के ही तुलना की जा सकती है, उनकी भीष्मदेव के ही समान आयु के थे और वरिष्ठ थे कौरव पांडवों के। तो व्यासदेव ने समझाने का प्रयास किया, फिर भी युधिष्ठिर महाराज शांत नहीं हुए, खुद साक्षात भगवान ने समझाने का प्रयास किया। भगवान ने अर्जुन को समझा दिया, अर्जुन मान गए, लेकिन यहाँ भगवान युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास कर रहे लेकिन युधिष्ठिर महाराज नहीं मान पा रहे। तो इस पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक क्वेश्चन मार्क डाल रहे कि भगवान के लिए यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है कृष्ण ने ना, अद्भुत कर्मणा, भगवान के कर्म कैसे है, अद्भुत है, वंडरफुल। आप बताइए, कुछ एग्जाम्पल दीजिए भगवान के वंडरफुल एक्टिविटीज़ का, ट्राई कीजिए, हाथ उठा सकते हैं, यस, लिफ्टिंग गोवर्धन, या पीछे से कोई हाथ उठाए थे, नहीं जोर से बोलिए प्लीज, लाउडली लाउडली, अगेन मुझे सुनाई नहीं था, क्या था, गजेंद्र मोक्ष, ओके फाइन, कैन यू रिपीट, बकुला गाय, ओके ठीक है, बकुला गाय को बचाया, फिर भी सिंपल है,
नल कुबेर और मणिग्रीव को, बच्चे है ना लेकिन फिर भी दो बड़े हट्टे कट्टे पेड़ों को उखाड़ दिया है ना, कौन सोचेगा। और कुछ बताइए, वंडरफुल, अद्भुत अद्भुत कर्म, क्या क्या भगवान के अद्भुत कर्म है बताइए। सिक्सटीन थाउजेंड एक्सपेंशन, वेरी गुड, 16,000 एक्सपेंशन, भगवान अपना विस्तार कर रहे थे। 16,000, 16,108 अभी रानियां है, तो ऐसे नहीं कि भाई 16,000 दिन में एक एक किधर जाएंगे। साइमल्टेनियसली 16,108 एक्सपेंशन, 16,108। और कुछ अद्भुत कर्म, भीष्म, भीष्म विश्वरूप, विश्वरूप, यस अद्भुत। कृष्ण बोलते भी है गीता में, आपका यह अद्भुत रूप देखकर मुझे डर लग रहा है, यस अद्भुत। ठीक है, सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ गए, वंडरफुल, अद्भुत कर्मणा, तो भगवान हमेशा अद्भुत कर्म करते हैं। एंड एक और अद्भुत कर्म भगवान का है, हम द्वारका गए थे तो उधर भगवान युद्ध छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका ग्लोरिफिकेशन ही होता है युद्ध छोड़ के भाग, तो ये भी अद्भुत बात है कि पहली बार वरना भगवान तो क्षत्रिय है, उधर क्षत्रिय अगर युद्ध छोड़ के भागे तो उससे बदनाम, मतलब इतना उसके लिए बदनामी की बात है, वो बोला गया कि मृत्यु से भी बढ़कर है, लेकिन इधर तो भगवान के लिए उल्टा हो गया ना, उनको तो रणछोड़ राय के नाम से पूछते हैं लोग, है ना, युद्ध छोड़ के भाग गया है, अद्भुत कर्म। सो भगवान इस प्रकार से अनेक अनेक अद्भुत कर्म करते हैं, एंड अद्भुत भी होते हैं उनके कर्म, मधुर भी होते हैं, जैसे हमने लास्ट लास्ट भागवतम क्लास में देखा भी था, भगवान की हर क्रिया मधुर है, भगवान की हर एक्टिविटी मधुर है, भगवान की हर एक्टिविटी अद्भुत है। तो भगवान लेकिन ऐसे अद्भुत करने वाले हैं भगवान, ऐसा कैसा होगा कि युधिष्ठिर महाराज को समझा नहीं पा रहे हैं, अर्जुन को समझा दें, हाउ इज इट दैट युधिष्ठिर महाराज को समझा नहीं पा रहे हैं। तो इसमें भी प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि ये भी भगवान का एक अद्भुत कर्म है, कि वो बाहर से युधिष्ठिर महाराज को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंदर से परमात्मा के रूप में क्या बोल रहे हैं, कन्विंस मत हो, कन्विंस मत हो, रोते रहो रोते रहो। इसका कारण क्या है, क्योंकि भगवान भीष्मदेव को पिक्चर में लाना चाहते हैं, भगवान जो है भीष्मदेव को अभी ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि भीष्मदेव भी भगवान के बहुत महान भक्त है, एंड 12 महाजनों में भीष्मदेव का भी नाम आता है, स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैयासकी वयम। और उस समय हमें, हम जानते हैं कि भीष्मदेव जो है बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, अर्जुन ने जो तीर मार के शैया उनके लिए बनाई थी, और उनको इच्छा मरण का वरदान था, वो चूज कर सकते थे उनको कब शरीर छोड़ना है अपना, और इसीलिए एक तरह से भीष्मदेव कितने महान हैं इस बात को पूरे विश्व के सामने रखने के लिए अभी भगवान इस प्रकार से अद्भुत कर्म कर रहे हैं, कि खुद युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास कर रहे, फिर भी युधिष्ठिर महाराज नहीं मान रहे हैं, तो भगवान इसलिए युधिष्ठिर महाराज को अभी भीष्मदेव के पास लेकर जाना चाहते हैं, और भीष्मदेव की महिमा पूरे विश्व के सामने रखना चाहते हैं, और साथ ही भगवान ये भी चाहते थे कि भीष्मदेव शरीर छोड़े तो वो खुद उनके सामने हो, और पांडव को भी अगर देख ले भीष्मदेव कि हाँ पांडव को राज्य मिल चुका है, तो एक तरह से उनको भी शांति मिलेगी, मन को शांति मिलेगी, ऐसा शिल प्रपात तात्पर्य में हम यहाँ बता रहे हैं हमें। और भीष्मदेव के जो पॉइंट को भी यहाँ पर भगवान ने क्लैरिफाई किया है कि भीष्मदेव इतने महान, बड़े महाजन है, भगवान के भक्त है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गलत कार्य किया है कौरवों को साइड देकर, लेकिन इसमें वो भी एक तरह से यहाँ बताया गया है कि बाध्य थे एक तरह से, कोई प्रसन्नता से वो कौरव के साइड में युद्ध नहीं कर रहे थे, उनको भी इसमें कोई प्रसन्नता नहीं थी कि कौरव के साइड से उनको युद्ध करना है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि भीष्मदेव पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण तनिक भी प्रसन्न नहीं थे, और उसके ऊपर भी पांडव उनके फेवरेट थे, पौत्र थे, सब प्रिय थे काफ़ी उनको, तो जो स्थिति ऐसी थी, क्योंकि भीष्मदेव को पूरा भरण पोषण दुर्योधन और कौरव दे रहे थे, उसी प्रकार से द्रोणाचार्य की भी बात थी, द्रोणाचार्य और भीष्मदेव इनको पूरा मेंटेनेंस मिल रहा था एक तरह से दुर्योधन से, कौरव कौरव किंगडम से, तो इसलिए उस समय दोनों बाध्य थे कौरव के साइड से लड़ने के लिए। हालांकि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं गीता में कि
ऐसा फिर भी उन्हें नहीं करना चाहिए था कि सिर्फ मेंटेनेंस मिल रहा है इस बात को लेकर, दे शुड नॉट हैव फाइट फॉट फ्रॉम द साइड ऑफ पांडवास। श्रील प्रभुपाद गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं। लेकिन फिर भी ये एक तरह से, इसके बावजूद फिर भी, हालांकि वो कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे, लेकिन फिर भी इसके कारण उनकी भक्ति कहीं भी कम नहीं हुई भगवान के प्रति। वो उसी भक्ति भावना से भगवान की सेवा ही कर रहे थे एक तरह से। एंड वो प्रसंग आता भी है जहां हम देखते हैं किस प्रकार से भगवान रथ का पहिया उठाते हैं भीष्मदेव को मारने के लिए। तो भीष्मदेव उस समय यही इच्छा करते हैं कि ये जो रूप है भगवान का, अभी जो मुझे पहिया लेके मारने आ रहे हैं, इसी का स्मरण करके मैं शरीर अपना छोड़ना चाहता हूँ। भीष्मदेव इस प्रकार की इच्छा प्रकट करते हैं। और इस अभी तो विशेष रूप से भगवान उनके सामने आ भी रहे हैं, उनकी इच्छा पूरी भी कर रहे हैं। साक्षात भगवान अभी आएंगे भीष्मदेव के सामने, पांडवों को साथ में लेके आएंगे भीष्मदेव के सामने, और भीष्मदेव फिर उपदेश देंगे युधिष्ठिर महाराज को। तो ये कनेक्शन है, ये श्लोक कनेक्शन है इस अध्याय का अगले अध्याय से। जैसे ये अध्याय में महारानी कुंती की स्तुति है, अगले अध्याय में भीष्मदेव अपनी स्तुतियाँ बताते हैं, भगवान स्तुति अर्पण करते हैं भगवान कृष्ण को और अपना शरीर छोड़ते हैं। तो जब भीष्मदेव स्तुति करना प्रारंभ करते हैं अगले चैप्टर में, तो बताया जा रहा है कि पूरे विश्व से सारे ऋषि मुनि आ जाते हैं वहाँ पर भीष्मदेव का जो स्तुति कर रहे हैं भगवान की। और जिस प्रकार से वो अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अपना मोह तुमको छोड़, अर्जुन नहीं सॉरी युधिष्ठिर महाराज को जो भीष्मदेव समझाने का प्रयास करते हैं, तो वो जो वार्तालाप है भीष्मदेव का युधिष्ठिर महाराज के साथ, वो सुनने के लिए अलग अलग स्थानों से, अलग अलग लोकों से बड़े बड़े ऋषि मुनि तक आ जाते हैं वहाँ पर सुनने के लिए। एंड वैसे ही जैसे परीक्षित महाराज अभी 7 दिन में शरीर छोड़ने वाले हैं, राइट, और वो सुखदेव गोस्वामी के पास आते हैं, और जैसे ही सबको पता चलता है कि अभी भागवतम बोलने वाले हैं, दो चीज़ें पता चलती है कि अभी भागवतम बोली जाएगी, सुखदेव गोस्वामी उसको बोलेंगे, और 7 दिन बाद सुखदेव गोस्वामी शरीर छोड़ेंगे। तो ये दोनों इवेंट्स को विटनेस करने के लिए, कि भागवतम सुनने के लिए और एक महान भक्त का शरीर छोड़ना, ये दोनों इवेंट्स को विटनेस करने के लिए पूरे संसार से गुरु और शिष्य अपने अपने जितने भी महान ऋषि मुनि रहते हैं अपने शिष्यों को साथ में लेके आते हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर इवेंट है एंड बहुत विशेष है, हर बार मिलता नहीं है। तो सब लोग इसको देखना चाहते हैं एक्चुअली, कि कैसे एक भक्त अपना शरीर छोड़ता है, क्या उसकी चेतना रहती है, क्योंकि एक तो जीवन का फाइनल एग्जाम है, राइट, द लास्ट एग्जाम, शरीर कैसे छोड़ता है, अब किस अवस्था में शरीर छोड़ता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी वही सीन रिपीट हो रहा है एक तरह से, भीष्मदेव शरीर छोड़ने वाले हैं और साथ ही साथ वो भी उपदेश देने वाले हैं। तो इन दोनों इवेंट्स को विटनेस करने के लिए जगह जगह से ऋषि मुनि आते हैं, और फिर जो वार्तालाप होता है, स्तुतियाँ होती है, वो पूरे अगले अध्याय में भीष्मदेव की स्तुति बताई गई है। और ये स्तुति को हम इनफैक्ट बहुत सुंदर एक ट्यून में गा भी सकते हैं, बहुत सुंदर कंठस्थ कर सकते हैं, गाय भी जाती है ये भीष्मदेव की स्तुतियाँ, बहुत सुंदर ट्यून में गाई जाती है। तो हम प्रयास करेंगे जब अध्याय चालू होगा तो इनको रिसाइट करने का। लेकिन इस प्रकार से यहाँ पर भगवान कृष्ण एक और अपने अद्भुत कर्म को दर्शा रहे हैं कि किस प्रकार से जो वो एक तरह से युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज फिर भी अपने मोह को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो अद्भुत कर्मणा इस प्रकार से वंडरफुल कृष्णा, ये हम देखते हैं कृष्णा बुक में श्रील प्रभुपाद का जो गोवर्धन लीला, इस चैप्टर को नाम ही दिया है क्या, वंडरफुल कृष्णा। इसमें भगवान गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, और गोवर्धन लीला ये इसी मास में होती है, कार्तिक मास में होती है। तो थोड़ी कार्तिक के बारे में अगर चर्चा करेंगे, तो अभी कुछ दिनों पहले ही जो शरद ऋतु की पूर्णिमा होती है, तो इस दिन से प्रारंभ होता है, और उस पूर्णिमा के दिन एक और विशेष लीला भगवान करते हैं, अद्भुत लीला करते हैं, अति अद्भुत लीला करते हैं, जो हम सब बोलना भूल गए, जो वसंत शरद रास लीला भगवान करते हैं। तो इससे ये प्रारंभ होती है, इस दिन से प्रारंभ होती है। तो इस कार्तिक मास की महिमा भी बहुत है। इस कार्तिक, इस महीने का नाम कार्तिक कैसे पड़ा, तो इसके लिए भी सॉरी, इस कार्तिक मास तो है ही, साथ ही साथ इस मास का नाम दामोदर मास भी है। तो ये इस मास का नाम दामोदर क्यों पड़ा, तो इसके लिए भी दो कारण बताए जाते हैं जो हमने सुने हैं वरिष्ठों से। ये
एक तो जितने भी 12 महीने हैं उन 12 महीनों को भगवान नारायण का एक एक नाम है। ओके, सभी 12 महीनों को भगवान कृष्ण का एक एक नाम है, जैसे त्रिविक्रम हो गया, वामन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर 12 महीने को एक एक भगवान विष्णु का, कृष्ण का या नारायण का नाम दिया गया है। तो उसी प्रकार से ये जो कार्तिक मास है इसको नाम दिया गया है दामोदर। दामोदर भी वैकुंठ में भगवान का एक रूप है, वैकुंठ में भगवान के अनेक अनेक रूप है ना, नरसिंह, वामन, मधुसूदन, अनंत, पद्मनाभ, त्रिविक्रम, वामन, केशव, माधव, ऐसे अनेक अनेक वैकुंठ में भी भगवान के रूप है। तो उसमें से 12 नाम जो है भगवान के उन नामों पर 12 महीनों के भी नाम दिए गए हैं। ओके, देन साथ ही साथ इस महीने को दामोदर मास नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इस महीने में दामोदर लीला होती है। और इस दामोदर लीला के भी 2 वर्जन हैं। एक तो हम जानते हैं जो कॉमनली हम सब मनाते हैं कि किस प्रकार से यशोदा माता भगवान अपने छोटे से लाला को बांध देती है। कैसे बांधती है? रस्सी से बांधती है। तो पहले तो वो पूरा ट्राई करती है रस्सी से बांधने के लिए, लेकिन हर बार रस्सी छोटी पड़ती है। कितना उंगल से? 2 उंगली से, राइट? 2 उंगल से रस्सी छोटी पड़ती है। तो हमारे आचार्य बोलते हैं वो 2 उंगलियाँ क्या है? एक है हमारा परिश्रम, हमारा एफर्ट, और दूसरा है भगवान की कृपा। भगवान को पकड़ना है, भगवान को बांधना है, तो ये दोनों चाहिए। हमें परिश्रम करना होगा, हमें थोड़ी तपस्या करनी होगी, हमें एफर्ट डालना होगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा है कि जब भगवान देखेंगे कि बहुत पसीना बहा रहा है, जैसे माँ यशोदा को पसीना आने लगा था बांधते बांधते, जब भगवान देखते हैं कि बहुत श्रम कर रहा है, बहुत पसीना आता है, तब भगवान की कृपा प्रकट होती है। तो भगवान खुद डिसाइड करते हैं, चलो इतना एफर्ट डाल रहा है, मैं बन जाता हूँ इसका। तो इस प्रकार से यशोदा माता ने फिर भगवान को बांध दिया। तो दाम उधर, दाम मतलब वो रस्सी, और उधर यानी कि पेट। तो उस रस्सी से भगवान के पेट को उखल से बांध दिया, तो इसलिए दामोदर भगवान का नाम पड़ गया। तो भगवान का नाम लीलाओं से ही पड़ता है, हम जानते हैं, राइट? भगवान ने मधु नाम के राक्षस को मारा तो मधुसूदन नाम पड़ गया, एंड केशी को मारा तो केशव नाम पड़ गया ना। वो गोवर्धन पर्वत धारण किया तो उससे भगवान का नाम गिरधर पड़ गया। तो इसी प्रकार से ये लीला हुई, तो इसका नाम भगवान का एक नाम दामोदर पड़ गया, और इसी से इस महीने का नाम भी कॉमनली दामोदर के रूप में बोला जाता है। एंड दूसरा वर्जन इस लीला का ये है कि एक बार राधा रानी भगवान को बांध देती है। तो इसके लिए, इसके पीछे क्या है कि एक बार भगवान लेट हो जाते हैं, जैसे मैं हमेशा लेट रहता हूँ भगवान एक बार लेट हो जाते हैं राधा रानी के साथ लीला करने के लिए। तो राधा रानी उनको गुस्से में देखती है, और फिर वो जो जिस कुंज में वो लोग रहते हैं तो वहाँ पर सोने की लताएं रहती है, गोल्डन क्रीपर्स। तो वो एक क्रीपर निकाल के राधा रानी जो है भगवान को बांध देती है। राधा रानी भगवान को बांध देती है पनिशमेंट के रूप में कि अरे नालायक, टाइम पे नहीं आते हो करके। मतलब राधा रानी बोलती है उसे, हम लोग को नहीं करना चाहिए गलती से भी। एक परम पूज्य राधा को इनको स्वामी महाराज बता रहे थे कि भगवान तो वैकुंठ में बैठे बैठे एवरीडे डे वन, मतलब अनंत काल से स्तुति अपनी सुनते आ रहे हैं, अनंत शेष भी भगवान की स्तुति करते आ रहे हैं, अब तक खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन ये स्तुति भी भगवान को उतनी प्रिय नहीं है, महाराज बताते हैं, जितना उनके शुद्ध भक्त उनको गाली देते हैं तभी। मतलब भगवान को गाली सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है अपने शुद्ध भक्तों से कभी। तो इस प्रकार से जब गोपियाँ कभी कभी भगवान को गाली देती है कि अरे नालायक, अरे शैतान, या धीज दैट वगैरह, तो भगवान को ज़्यादा आनंद आता है। मतलब वेद की स्तुति से भगवान को ये ज़्यादा मीठा लगता है। तो है थोड़ा हम समझ सकते हैं कि मान लो आपका भी हर बार कोई आपसे कोई अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तो आप कभी कभी बोर हो जाते हो ना, कभी आके कोई मजाक वजाक कर दे तो थोड़ा फ्लेवर चेंज होता है, वैरायटी मिलता है ना। तो अरे आज मजाक कर दिया, क्या बात है, मज़ा आया है ना। तो इस प्रकार से भगवान को भी वैरायटी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से फिर राधा रानी उन पर गुस्सा होकर उनको बांध देती है। फिर भगवान बताते, देखो भाई, मुझे आज मैया यशोदा ने रोक के रखा था, इसलिए मैं टाइम पे नहीं आ पाया। तो राधा रानी को ओके अच्छा अच्छा ठीक है सॉरी, तो फिर छोड़ देती है। मतलब उनको मालूम पड़ता है कि ओके, यशोदा माँ ने रोक के रखा था, देन शी रिलीजेस हिम। तो इससे भी ये भगवान का एक नाम पड़ गया दामोदर। तो ये भी एक दामोदर लीला का दूसरा वर्जन है। एक तो ये है जो हम सबको पता है कि यशोदा माता बांधती है, दूसरा राधा रानी भी बांधती है।
और ये लीला का वर्णन आता है भविष्य पुराण में। भविष्य पुराण में इस लीला का वर्णन होता है जिसमें राधा रानी कृष्ण को बांधती है। तो इस प्रकार से दामोदर महीना बहुत पवित्र महीना है, हम सब जानते हैं। जैसे अभी सारे सेल चल रहे हैं हर जगह पर, दिवाली सेल, दशहरा सेल, तो भगवान ने भी ये सेल खोला है अपना, थोड़ी सी भक्ति करो उसका मैं आपको 1000 गुना फल दूंगा। तो एंड ये सबसे बड़ा सेल है एक्चुअली। कोई अपने को एक यू नो बाय वन गेट टू फ्री या बाय वन गेट वन फ्री तक ही रहता है, बाय वन गेट 1000 फ्री का ही नहीं मिलता है ना। लेकिन भगवान ने दिया है तो हमको कितना मतलब सीरियसली इस बात को लेना चाहिए, जितना हो सके ज़्यादा इस मास में भगवान की सेवा में लगना चाहिए, व्रत लेने चाहिए ऐसा बोलते हैं। अब तक तो मैंने भी नहीं लिया है, लेकिन कुछ व्रत उठाने चाहिए, जैसे एक्स्ट्रा रीडिंग, एक्स्ट्रा राउंड चैंटिंग या एक्स्ट्रा सेवा भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और डेली दामोदर अष्टकम का रेसाइटेशन करना चाहिए, भगवान को दीपदान कर सकते हैं। संकीर्तन, जितना ज़्यादा संकीर्तन हो सके संकीर्तन करना चाहिए, पुस्तक वितरण करना चाहिए ताकि भगवान को प्रसन्न कर सके। इनफैक्ट यही महीना है जो आपको एंट्री दिलाता है कौन से एक्टिविटी में, अगले महीना जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू होने वाला है। तो श्रील प्रभुपाद बताते भी थे कि साल में एक बार सभी भक्तों को इस प्रकार से धाम में आकर अपने आप को बैटरी अपना रिचार्ज करना चाहिए, ताकि अगले महीने जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू होने वाला है, मैराथन चालू होने वाला है, उसमें 100% चार्जिंग के साथ मैदान में उतरेंगे, क्योंकि माँ पे बॉम्ब डालने हैं ना सब। दीज आर बॉम्ब्स प्रभुपाद बताते हैं। किसी के हाथ में गया और फिर अपना टाइम लेगा टाइम बॉम्ब के तरह, लेकिन जब फूट जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बाहर आएगा, शुद्ध भक्त। सो जितने भी हम काफ़ी सारे देखते हैं स्टोरीज ऐसी है बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, अनेकानेक स्टोरीज तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन की ऐसी है कि बुक लेके सब बुक पढ़ी और एक दिन में किसने एक ही दिन में पूरी गीता पढ़ ली, या जो भी है गीता पढ़ ली और डिवोटीज बन गए। तो ये बहुत अच्छा हमको अपॉर्चुनिटी है इस महीने में, और इस महीने की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी स्वयं है, तो राधा रानी को भी अत्यंत प्रिय ये मास है। और इस महीने में श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए हमको विशेष रूप से अधिक भक्ति करनी चाहिए। एक नाम राधा रानी का बोला जाता है, कार्तिकी देवी भी है, तो इसीलिए ये कार्तिक मास राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। और इसलिए जो भी इस मास में सेवा करता है तो श्री श्री राधा कृष्ण उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एक लीला जो पुराणों में शास्त्रों में आती है इसी महीने के कनेक्शन में, एक बार ऐसा होता है कि जैसे भगवान के पट में अंदर दीपक जल रहा होता है, घी का दीपक रहता है, तो कहीं से अचानक से वो एक चूहा अंदर घुस जाता है, वो घी की सुगंध से बहुत वो अट्रैक्ट हो जाता है घी की सुगंध से, और घी पर तो अग्नि जल रही होती है, वो दीपक की अग्नि रहती है, अग्नि जल रही होती है, तो लेकिन उसको बहुत टेम्पटेशन हो रहा होता है और उसको उस घी को चखना रहता है, तो जाता है चखने के लिए और अग्नि रहती है तो उसकी मूंछ जल जाती है, मूंछ में आग लग जाती है, तो बेचारा डर जाता है और भागना चालू करता है। भागते भागते कर क्या देता है, वो 3-4 घूम लेता है विग्रह के अराउंड में, 3-4 बार ऐसे घूम जाता है और परिक्रमा कर लेता है। तो फिर बाद में जब वो शरीर छोड़ देता है वो चूहा, तो भगवान जी तो उसको अपने धाम में ले देते हैं। क्यों? कार्तिक मास में दिया भी दिखा और भगवान का परिक्रमा भी कर लिया। दिस इज एक्चुअली देयर इन शास्त्रस। तो इस महीने का एक तरह से जो महिमा बताने के लिए ये लीला बताई जाती है जो मैंने सुनी है सीनियर्स से। और भी अनेक महिमा है, जैसे बोला जाता है कि ना अनेक गोदान, गाय को दान देने का फल केवल भगवान के चरण में तुलसी अर्पण करने से मिल जाता है। और जिसको दीपदान, जो इस महीने में दीपदान करते हैं, भगवान ने बोला कि मैं उसको अपने धाम ले जाता हूँ करके। तो ऐसे बहुत सारे आपको ऑफर्स मिलेंगे इस महीने में, सेल है तो भगवान ने सेल ओपन किया हुआ है, तो जितना हो सके फ़ायदा उठाना चाहिए, जितना हो सके इस कार्तिक मास में हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए नियमित रूप से। तो हम इस प्रकार से कुछ व्रत ले सकते हैं भगवान की सेवा के लिए और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।
वृंदराज श्रीमद्भागवतम की जय, दामोदर मास की जय, श्री श्री राधा दामोदर की जय। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एक दो हम ले सकते हैं, अदरवाइज वी विल स्टॉप। यस देखिए, किसी भी हालत में जैसे श्री प्रभुपाद के समय में भी अनेक वरिष्ठ भक्त थे, वो दीक्षा गुरु थे, लेकिन वो भी पथ भ्रमित हो गए थे। लेकिन इसीलिए हमारे संस्था की एक सुंदर बात यह है कि यहाँ पर कोई एक ही ऐसे भक्त नहीं है, यहाँ पर अनेक शिक्षा गुरु है या ऐसे अनेक वरिष्ठ भक्त हैं जिनके आश्रम में आप रह सकते हैं, है ना। दीक्षा गुरु तो होते ही है, साथ में साथ साथ ही साथ अनेक अलग 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 शिक्षा गुरु भी रहते हैं। तो मान लीजिए आप किसी से मार्गदर्शन ले रहे थे, ओके, अभी वो पथ भ्रमित हो जाते हैं तो और भी अनेक अनेक भक्त तो है ही। जैसे श्रील प्रभुपाद तो हमारे साथ हमेशा रहेंगे ही, अपने ग्रंथों के रूप में, अपने वाणी के रूप में। तो सबसे प्रथम कर्तव्य तो इस्कॉन में हर भक्त का ये है कि वो प्रभुपाद जी का आश्रय दे। कोई भी नया भक्त जब इस्कॉन में आता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसको प्रभुपाद का आश्रय ही दिलाते हैं। कैसे? ग्रंथों से। और उनको बोलते हैं जो प्रभुपाद ने चार नियम दिए हैं वो फॉलो करो और 16 माला जप करने का प्रयास करो, तो यही प्रभुपाद आश्रय है। तो इस्कॉन में डे वन से जब कोई भी नया भक्त कदम रखता है तो उसको हम प्रभुपाद जी का आश्रय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये डे वन से आपका भगवत धाम जाने के बाद भी ये प्रभुपाद आश्रय कायम रहेगा, प्रभुपाद को हमको कभी छोड़ना नहीं है, इधर हो या कहीं और। और उसके बाद भी प्रभुपाद का आश्रय लेने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे उनके लेक्चर सुनिए, उनके ग्रंथ सुनिए, उससे आप अपना साधना एंड भक्ति कायम रखिए। और भी अनेक अनेक भक्त हैं जो अभी भी अच्छी तरह से भगवान की भक्ति में एकदम दृढ़ निश्चय होकर पूरी तरह से प्रभुपाद जी के नियमों को पालन करते हुए बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, बहुत मार्गदर्शन भी कर रहे हैं अनेक 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 भक्तों का। तो ऐसे तो अनेक अनेक भक्त है ही, तो हम उनकी भी मार्गदर्शन में कायम रह सकते हैं। तो मल्टीपल अथॉरिटी होने का एक फ़ायदा है हमारी संस्था में कि आप एक से ज़्यादा वरिष्ठ भक्तों का मार्गदर्शन ले सकते हैं, एंड श्री प्रभुपाद जी का मार्गदर्शन तो है भी, तो इसलिए हमें कोई डरने की बात नहीं है। पूरा मतलब श्री प्रभुपाद ने एक तरह से हमें बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दिया हुआ इस संस्था के अंदर, लेकिन हमें लेना चाहिए। बात दुख की बात तब है जब हम लेते नहीं हैं, हम खुद लेते नहीं हैं और हम खुद ही सोच लेते हैं कि चलो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बाहर निकलना है। तो वो तो हमारी गलती है, हमने ठीक से अब तक इतने साल जो बिताया है, या तो हमने ठीक से साधना नहीं की है या तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को ठीक से समझा नहीं है, तो इसीलिए हमें लगता है कि यहाँ कुछ नहीं रखा है, निकल जाओ यहाँ से। तो ये भी है। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण। वृंदराज श्रीमद्भागवतम की जय, भगवत वाणी श्रीमद्भगवद्गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।